हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, जो आज हम शुरू करेंगे, हमारे पास हमारी क्लास 11th का जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, ठीक है, सेट हमारा, उसी की एक्सरसाइज 1.3 और उसके बेसिक के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं जो स्टूडेंट्स ने मेरे पास एज ए प्रॉब्लम के तौर पर भेजे हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है कि जो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, क्या हम उनको सभी सेट्स को, ऐसा कोई इनफाइनाइट सेट हो सकता है जिसको हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकें, ठीक है, या सभी इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, ऑल द इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। जितने भी आपके इनफाइनाइट सेट्स हैं सभी के सभी उनको हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स के तौर पर आप ले सकते हैं, मान लीजिए अगर हमारे पास रियल नंबर का सेट हो हमारा, ठीक है, मान लीजिए एक सेट है हमारा एक्स टू एक्स इज ए रियल नंबर। अब रियल नंबर में आपके पास क्या चीज है, क्योंकि पॉइंट्स वाले सारी वैल्यूज आ गई, इनको हम रोस्टर फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते सभी रियल पॉइंट नंबर्स को, ठीक है। और ऐसे ही एक क्वेश्चन जो आप स्टूडेंट्स के द्वारा मेरे पास भेजा गया, उसमें पूछा गया था कि दो एक अलग अलग सेट भेजे गए थे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ, एक सेट आपके पास 1 2 3 पूछा दिया गया और दूसरा आपके पास दिया गया, उन्होंने जो मुझे भेजा कि 2 2 1 3 3, कि ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं या नहीं है, ये चीज पूछी गई मेरे से, ठीक है। अब इसमें देखिए आपके पास क्या है, जनरल हमारे पास किसी भी सेट के अंदर हमारे रूल्स हैं कि हम किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन बी सेट के अंदर एलिमेंट फिर भी आपको गिवन में रिपीट कर दिए गए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके इक्वल सेट्स कब कहलाते हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में हो, 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, इसका 2 इसमें है, 2 इसमें है, 1 है, 3 है, 3 है, सो दोनों के दोनों ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो आपके पास दोनों सेट्स आपस में क्या कहलाएंगे, इक्वल्स कहलाएंगे। जनरल जब हम खुद बनाते हैं रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखते हैं, हम कभी भी उस किसी सेट को इस फॉर्म में ना लिखकर अकेली ए फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते, ठीक है, उसको बी फॉर्म में कभी ना लिखते। लेकिन अगर बाय चांस जैसे क्वेश्चन पूछा गया ऐसा आ भी गया तो ये दोनों इक्वल्स सेट कहलाएंगे आपके, ठीक है, ये हमेशा ख्याल रखेंगे। अच्छा, कोई जरूरी नहीं होता कि जो एलिमेंट्स हैं हमारे, ये सिंगल सिंगल हम बीच में लिखते हैं उनको एलिमेंट्स कहते हैं जब हम, कि ये हमेशा एक प्रॉपर वे के अंदर होने चाहिए। आप जैसे मर्जी, मान लीजिए 2 लिख लिया, फिर 1 लिख लिया, फिर 3 लिख लिया, इस प्रकार से भी आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 1.3, इसके अंदर जो हमारे पास हमें शुरुआत करनी है आज, ठीक है। इसके अंदर हमें जो दे रहा है वो बात कर रहा है हमारे पास सबसेट की। हम देखेंगे कि सबसेट हम किसको कहते हैं, सबसेट्स, ठीक है। ए सेट इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। आपका कोई सेट ए बी सेट का सबसेट कहलाएगा, ठीक है, अगर ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी के अंदर हो तो आपके पास वो ए बी का सबसेट कहलाएगा। और सिंबॉलिक तौर पर हम इसको ए, ये हमारा सिंबल बनता है सबसेट का बी, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है। इसका मतलब क्या रहता है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर हैं, ठीक है। हम इसको इस प्रकार से भी कन्वे कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर कोई ए एलिमेंट है वो ए सेट को बिलोंग करता है, और आपके पास आप इम्प्लाइज कर दें, ठीक है, कि जो ए एलिमेंट है वो बी सेट को भी बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स आपके पास वो क्या हो जाता है कि जो ए सेट है वो बी सेट का सबसेट बन जाता है, ठीक है, ये हमारे पास इस प्रकार से इसको कहा जाता है। अब इसी चीज के ऊपर हमारे पास देखते हैं हम एग्जांपल्स, देखें अगर हमारे पास जैसे एग्जांपल नंबर 9 हम देखते हैं, हमें क्या कह रहा है ये, कंसीडर द सेट्स 5 दे रहा है, मींस खाली सेट है, ए दे रहा है 1 3, बी दे रहा है 1 5 9, सी दे रहा है 1 3 5 7 9, ठीक है। इंसर्ट द सिंबल आपके पास सबसेट, और जो दूसरा सिंबल ये दे रहा है इसका होता है नॉट सबसेट, ठीक है, बिटवीन ईच द फॉलोइंग। अब जैसे देखें 5 और बी, 5 मतलब खाली सेट, खाली सेट हर सबसेट का सबसेट होता है, तो ये आपके पास सबसेट बन जाएगा,
ठीक है। सेकंड पार्ट में देखें हमें क्या रहा है, ए बी का ए के एलिमेंट देखो क्या 1 3 है, बी के अंदर क्या 1 1 5 9 है, तो ए का एलिमेंट 3 बी के अंदर नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर देंगे इसको नॉट सबसेट, क्लियर। एंड नेक्स्ट देखें थर्ड आपके पास हमें क्या कह रहा है, ए सी ए के एलिमेंट 1 3 है, सी के क्या 1 3 5 7 9, तो 1 3 सी के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा इसका सबसेट हो जाएगा। एंड फोर्थ आपके पास इसमें हमें क्या कह रहा है, ये आपके पास बी सी ये दे रहा है, तो बी के एलिमेंट 1 5 9, सी के अंदर 1 भी है 5 भी है 9 भी है, सो बी इज अ सबसेट ऑफ सी बन जाएगा आपके पास, क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 10, इसमें हमें क्या कह रहे हैं, कहना है मान लीजिए ए एक सेट है ए ई आई ओ यू और बी एक सबसेट है सॉरी ए बी सी डी, क्या इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ऑब्वियसली नो। तो इन्होंने रीजन पूछा है कि कैसा क्यों है, तो ए का कोई भी एलिमेंट आप लिख सकते हैं जो बी के अंदर नहीं है, ठीक है। आप जैसे इसमें देखिए ए के अंदर सारे बाउल्स हैं आपके पास, ई बिलोंग्स टू ए सेट, ठीक है, बट ई नॉट बिलोंग टू बी सेट, ये आपका रीजन हो गया। दूसरा कह रहा है इज बी ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना, आंसर कर रहा है जैसे नो, ठीक है, क्यों, बी का कोई भी एलिमेंट ले लें जो ए के अंदर ना हो, बी बिलोंग्स टू ए सेट बिलोंग करती है बट बी नॉट सॉरी यहां पर बी सेट को बी नॉट बिलोंग टू ए सेट, परंतु जो बी एलिमेंट है वो ए सेट को बिलोंग नहीं करता, इसलिए बी सेट है जो ए का सबसेट का सेट, ए का सबसेट नहीं है, इसलिए बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए एंड यहां पर ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, क्लियर, ये आपके पास हो जाएगा। एंड नेक्स्ट ऐसे ही हम देखते हैं हमारे पास हमारा एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है, इसमें हमें क्या कह रहा है, कहना ए बी सी बी 3 सेट्स, मान लेते हैं कि लेट कहता है 3 सेट हैं जहां ए बिलोंग टू बी, हमें क्या कह रहा है ए बिलोंग टू बी मींस आपके पास आप ए कोई भी, ठीक है, सेट दे रहा है जो ए बी को बिलोंग करता है, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, इज इट ट्रू दैट ए इज द सबसेट ऑफ सी, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल, अगर नहीं तो ऐसा एक एग्जांपल दें। इसमें क्या करें, हम मान लीजिए हम कोई भी एक ए सेट मान लेते हैं, मैं मान 1 मान लेता हूं, जैसे अकेला 1 ही मान लिया मैंने, ठीक है, तो क्या हुआ, अब इन्होंने क्या कहा है, गिवन में क्या है, ए बिलोंग टू बी, मतलब जो ए सेट है पूरा का पूरा वो बी का एक एलिमेंट है, तो बी के अंदर जैसे कुछ भी एलिमेंट है, मान लो 1 हो 2 हो 3 हो, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, लेकिन उसके अंदर कम से कम ये एलिमेंट तो होगा ही होगा, ये बात कह रहा है हमें, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट के साथ ही आपके पास एक एलिमेंट के रूप में बन गया आपके पास, क्लियर। उसके बाद एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, और बी है जो वो सी का एक सबसेट है, मतलब सी के अंदर आपके पास वो सारे एलिमेंट होंगे जो बी के अंदर है आपके पास, क्लियर। अब जैसे बी के अंदर 1 2 3 और ये 1 ब्रैकेट के अंदर भी आपके पास, और एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं इसके अंदर, मान लीजिए 4 और 5 मान ली हमने, क्लियर। कहता क्या ये ट्रू है कि ए सी का सबसेट होगा, ए सी का सबसेट, ठीक है, ए सी का सबसेट, हाँ यहाँ ए क्या है 1 एलिमेंट है इसके अंदर, तो 1 इसके अंदर है, बिल्कुल सही हो गया। लेकिन उन्होंने कहा था कि इफ नॉट, अगर ना हो तो एक ऐसा एग्जांपल दे, तो कुछ नहीं, हमें क्या करना है, इस बी सेट में से ही हम 1 एलिमेंट को खत्म कर देते हैं, ठीक है, बी में से खत्म कर दिया तो सी में खत्म हो गया आपके पास, क्योंकि इन्होंने आगे आपको दे दिया था कि बी इज द सबसेट ऑफ सी, तो आपने इसलिए सी ये माना, ठीक है, लेट किया, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गया, ए के अंदर 1 एलिमेंट है, सी के अंदर 1 नहीं है आपके पास, सो ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, आपके पास ये हो जाएगा, क्योंकि हमें एग्जांपल देना था उस चीज के कारण हमने ऐसा किया, हाँ में कहा गया था तो हम हाँ के अंदर अपने एग्जांपल देख लेते, क्लियर। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास हमारे आगे सबसेट के बाद, ठीक है, सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स आपके पास और इनके इंटरवल्स के बारे में कि क्या रहेगा। रियल नंबर्स के जो हमारे सेट है नंबर्स के, जैसे नेचुरल नंबर है इज द सबसेट ऑफ द इंटीजर्स, ठीक है, एंड इंटीजर इज द सबसेट ऑफ द रैशनल नंबर, एंड रैशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ आपका रियल नंबर्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। या आप यूं कह सकते हैं, मान लीजिए अगर ये नेचुरल नंबर है तो आपके पास ये इंटीजर्स का सेट हो गया, ठीक है, और इंटीजर्स आपके पास आगे क्यू का एक सबसेट है और क्यू आपके पास आगे रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है, ये चीज हो जाएगी।
और ये रैशनल के साथ एक अलग हमारे पास इरेशनल नंबर का सेट भी बनता है। मान लीजिए आपके पास टी है तो ये रियल का भी एक सबसेट बनता है, लेकिन इरेशनल का नेचुरल से आपके इंटीजर से या रैशनल नंबर से कोई मेल नहीं होता, इसलिए हमने इसको अलग बना दिया इसके अंदर। क्लियर? और आपसे कहीं अगर पूछा जाए कि एन टी का, मान लीजिए मैंने हमने टी इरेशनल नंबर के लिए सिंबल यूज किया है, एन क्या टी का सबसेट है? नॉट ए सबसेट, एन टी का सबसेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम इंटरवल्स की। इंटरवल्स को हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखा गया, इसका मतलब है कि ए से लेकर बी तक वो सारी वैल्यू जो क्लोज्ड है वो खुद भी और उनके बीच की सारी वैल्यूज आपके पास उस इंटरवल को, उस फंक्शंस को, उस वैल्यू को, उस सेट को बिलोंग करती हैं। अगर वो ओपन ब्रैकेट के अंदर है मींस आपके पास इनके बीच की तो सारी वैल्यू बिलोंग करती है बट खुद ये खुद नहीं बिलोंग करती। ठीक है, ये इनके मीनिंग से रहते हैं आपके पास। इज ऑल्सो एन द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट, जिनमें हो जाए शामिल वो आपके पास क्या हो जाते हैं, क्लोज इंटरवल। अदरवाइज आपके पास वो क्या कहलाते हैं, ओपन इंटरवल। ठीक है, और ग्राफिकली अगर हम इनकी बात करें कि ग्राफिकल हम इनको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर क्लोज्ड ए बी है और ये ए और बी पॉइंट है, ठीक है, तो क्लोज्ड के अंदर मतलब क्या हुआ, आपके पास आप इन पॉइंट्स को भी शामिल करेंगे और इनके बीच के पॉइंट्स को भी शामिल करेंगे। अगर ये ओपन के अंदर है ए बी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी, आप ये ए और बी पॉइंट्स हो जाएंगे, इनके बीच वाले पॉइंट्स होंगे सारे लेकिन इनको खुद को नहीं लेंगे। अगर मान लीजिए एक क्लोज में हो एक ओपन में हो तो आपके पास क्या लिखे, इस प्रकार से लिखेंगे, जो क्लोज्ड के अंदर है उसको कवर किया जाएगा, शेडेड किया जाएगा, और बीच वाले पॉइंट्स तो रहेंगे रहेंगे लेकिन बी पॉइंट्स आपके पास ओपन होने के कारण उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये चीजें रहेंगी हमारे पास। और उसके बाद बात करते हैं हम आगे पावर सेट की। पावर सेट, ठीक है, पावर सेट क्या कहलाएगा आपके पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। मान लीजिए कोई ए सेट है, उसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो आपके पावर सेट कहलाएंगे। मान लीजिए अगर ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मान लीजिए अगर एम है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे आपके, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, ये डिपेंड करता है टू की पावर एम पर। अगर मान लीजिए जीरो एलिमेंट्स है तो वन आपके पास टू की पावर जीरो वन सबसेट बनेंगे। अगर वन एलिमेंट है तो टू की पावर वन मीन्स टू सबसेट बनेंगे। अगर टू एलिमेंट है तो टू की पावर टू इट मीन्स फोर सबसेट बनेंगे। ठीक है, अब मान लेता हूं मैं आपके पास कोई एक इन्होंने ए सेट जो दिया गया आपको उसके अंदर दो एलिमेंट का ले लेते हैं हम, वन टू का। ठीक है, तो इसके सबसेट क्या बनेंगे, एक तो फाइव खाली, खाली सभी का सबसेट होता है, और सिंगल सिंगल एलिमेंट के साथ ले लें वन, ठीक है, टू, क्लियर, और फिर दो एलिमेंट के साथ वन टू। तो गिनती में करें वन टू थ्री फोर, ये आपके पास फोर बन गए। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ए सेट के सबसेट है। अब इसको अगर हमने पावर सेट लिखना तो पावर सेट में क्या हो जाएगा, ये सारे एलिमेंट के रूप में हो जाएंगे और ब्रैकेट के अंदर इनको हम बंद कर देंगे हमारे पास। ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाएगा, ए सेट था, ये पावर ऑफ ए कहलाएगा आपके पास। और ऐसे ही यहां पर अगर तीन एलिमेंट हो तो टू की पावर थ्री इट मीन्स एट सबसेट बनेंगे आपके पास, और अगर फोर एलिमेंट हो तो टू की पावर फोर इट मीन्स 16 एलिमेंट बनेंगे आपके पास, 16 सबसेट्स बन सकते हैं आपके। क्लियर? और यूनिवर्सल सेट, उसके बाद बात करते हैं हम यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, आपके पास जितने भी आपको सेट दिए गए हो, मान लीजिए ए बी सी, ये जितने भी सेट दिए गए ये जिस सबसेट के, ठीक है, जिस बड़े सेट के सारे सबसेट हो जाए तो वो आपका जो सबसेट, वो सेट है जो एक्स, वो आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हर कंडीशंस के अंदर अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए किसी के लिए, जैसे इस सेट, ये चार सबसेट बने हैं आपके पास, चार सेट है अगर सिंगल बात करें, इनके लिए सबसे यूनिवर्सल सेट आपका वन टू भी बन सकता है अकेला। ठीक है, वन टू थ्री भी बन सकता है, वन थ्री वन टू के अलावा जितने भी हम एक्स्ट्रा एलिमेंट जोड़ के इसमें लिखना चाहें वो सारे के सारे आपके पास यूनिवर्सल सेट बन जाएंगे इन चारों सेट्स के लिए। क्लियर? अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, उसमें हमें क्या कह रहा है, किस प्रकार से हमें इनको सॉल्व करना है उनको देखेंगे। इसके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, हम देखते हैं क्या कह रहा है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सेट और नॉट।
आपको सिंबल्स यूज करने। देखिए फर्स्ट में क्या दे रहे हैं, टू थ्री फोर, टू थ्री फोर दूसरे के अंदर है तो सबसेट का सिंबल आ जाएगा। सेकंड ए बी सी, दूसरी तरफ ए नहीं है तो किसका आ जाएगा, नॉट सबसेट का, क्लियर। एंड थर्ड में देखें एक्स टू एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास प्लस वन योर स्कूल, मतलब एक्स एक प्लस वन क्लास का स्टूडेंट है, दूसरे में हमें दिखा दे रहा है एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब प्लस वन का जो स्टूडेंट है वो आपके स्कूल का ही स्टूडेंट होगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, ये सेट बन जाएगा आपके लिए, क्लियर, सबसेट, सॉरी। फोर्थ में देखें, फर्स्ट में क्या कह रहा है, एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, और सेकंड में कह रहा है एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस वन यूनिट। सेकंड में जिसमें कहा गया उसमें रेडियस हमें फिक्स कर दी गई है वन यूनिट की, और फर्स्ट में जो रेडियस है वो आपकी फिक्स नहीं है, तो आपके पास उसमें वन रेडियस, टू रेडियस, थ्री रेडियस, सभी रेडियस के सेट हो सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स हो सकते हैं। सो आपके पास ये क्या बन जाएगा, इसलिए नॉट सबसेट बन जाएगा हमारे पास, क्लियर, नॉट सबसेट। एंड नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ पार्ट, इसके अंदर हमें क्या कह रहे हैं, एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, एंड दूसरी तरफ इसका एक्स टू एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब रेक्टेंगल और एक तरफ रेक्टेंगल दे रहा है, तो ट्रायंगल रेक्टेंगल का सबसेट नहीं होती, ठीक है, सो नॉट ए सबसेट आपके पास। एंड सिक्स्थ में देखिए आपको क्या कह रहा है, ये एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। फर्स्ट तरफ आपको ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की, दूसरी तरफ ट्रायंगल की बात की, उसमें इक्विलेटर भी होंगे, एक्स्ट्रा भी हो जाएंगी, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये सबसेट का सिंबल आ जाएगा दोनों के बीच में। एंड नेक्स्ट देखिए सेवंथ के अंदर, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड एक्स इज एन इंटीजर, नेचुरल नंबर इंटीजर का सबसेट होता ही है, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये सबसेट का सिंबल बन जाएगा हमारे लिए, क्लियर। अब उसके बाद देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो में हमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर दो में कह रहा है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। मैंने सिंबल यूज किया हुआ, सही यूज किया तो ट्रू, अगर गलत यूज किया तो फॉल्स। ए बी, दूसरी तरफ ए बी सी लिखा गया, तो ए बी दूसरे के अंदर एलिमेंट है तो सबसेट का सिंबल आना चाहिए, इन्होंने नॉट सबसेट का यूज कर दिया, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया आपका। सेकंड ए ई, दूसरी तरफ आपके इंग्लिश अल्फाबेट दिए गए, दोनों इंग्लिश अल्फाबेट है तो बीच में सबसेट का सिंबल आना चाहिए था, सबसेट का ही लगा रखा है इन्होंने, सो ट्रू हो जाएगा, क्लियर। एंड नेक्स्ट देखें थर्ड, इसमें क्या कह रहे हैं, वन टू थ्री, दूसरी तरफ वन थ्री है, टू नहीं है, तो ये नॉट सबसेट का सिंबल आना चाहिए था, इन्होंने किसका लगा के, सबसेट का, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। एंड नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ, आपको दे रहे ए, दूसरी तरफ ए है तो सबसेट का सिंबल आना चाहिए था, सबसेट का ही लगा रखे, तो क्या हो गया, ट्रू, क्लियर। एंड नेक्स्ट देखेंगे आपके पास ए दे रहा है, दूसरी तरफ ए है, ठीक है, लेकिन यहां बीच में सिंबल किसका यूज कर दिया, बिलोंग टू का, ये एक एलिमेंट के रूप में होना चाहिए, मतलब जो यहां पर बात कर रहा है ब्रैकेट के अंदर ए बिलोंग टू ए बी सी, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक एलिमेंट के रूप में इसके अंदर होना चाहिए, मीन्स ब्रैकेट के अंदर बंद ए इसके अंदर होनी चाहिए, ब्रैकेट के अंदर बंद तो ए नहीं है, ये इसका सबसेट एलिमेंट नहीं है, जब एलिमेंट लिख दिया गया ना बीच में बिलोंग का, तो ये पूरा एलिमेंट बन जाता है, पूरा का पूरा ऐसा ही होना चाहिए, अंदर ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। एंड नेक्स्ट देखेंगे सिक्स्थ पार्ट, इसके अंदर हमें क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स, छह से छोटा नेचुरल नंबर वो क्या होंगे आपके, वन टू थ्री फोर फाइव, एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, इवन नेचुरल नंबर कहा था, सो इस तरफ इवन नेचुरल नंबर तो 2, 4, 6 बनेंगे, और 36 के डिवाइड से जिनसे डिवाइड हो सकता हो, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से, 4 से, 5 से नहीं, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से, 36 से, अब 2, 4, 6 इसके अंदर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सबसेट का सिंबल आना चाहिए, सबसेट का ही सिंबल लगा रखा है, सो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया हमारे पास, क्लियर। एंड नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी वही चीज देखिए, आपको हमें ए सेट दिया गया जिसके अंदर एलिमेंट है वन टू और थ्री फोर भी एक ब्रैकेट के अंदर बंद है, मतलब ये पूरा एक एलिमेंट है यहां पर एक, ठीक है, एंड फाइव, तो वन टू थ्री फोर का एक एलिमेंट बन गया फाइव, टोटल चार एलिमेंट है इसके अंदर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकोरेक्ट एंड वाई, और इनमें से कौन सी गलत है
ठीक है, आपको वो बतानी है और किस किस कारण से, मतलब ये चीज कारण हमें लिखनी जरूरत नहीं है, वो तो हमें क्लियर ही है क्योंकि वो एलिमेंट आपके पास दूसरे रूप से आनी चाहिए। अब देखें ए के अंदर अगर मैं बात करूं, यहां पर ए जो यूज कर रहा है 1, 2, 3, 4 एंड 5, आपको पहला लिख रहा है 3, 4 ब्रैकेट के अंदर, बिल्कुल सही। ये ए का इन्होंने एक सबसेट बता रहे, नहीं ए का अगर इसको सबसेट लिखना तो उसके ऊपर द्वारा ब्रैकेट लगनी चाहिए, ये एक एलिमेंट के रूप में अभी फिलहाल, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्लियर। एंड सेकंड देखिए इसमें क्या कह रहे हैं हमें, मीन्स इनकोरेक्ट हो गया आपका, इनकोरेक्ट ही पूछी थी इन्होंने कौन कौन सी है, तो ये आपकी पहली इनकोरेक्ट इसका आंसर बन सकते हैं। दूसरा 3, 4, हाँ एक एलिमेंट के रूप बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही है, ट्रू, मैं इसको ट्रू फॉल्स के रूप में बता रहा हूं आपको। 3, 4 ब्रैकेट के अंदर बंद आ गया तो एक सबसेट बन गया, बिल्कुल सही, ट्रू। फोर्थ 1 इसके अंदर एक एलिमेंट के रूप में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही, ट्रू। एंड फिफ्थ देखें, 1 इसके अंदर एक सबसेट के रूप में बिलोंग कर रहा है, नहीं 1 अगर एक एलिमेंट है उसके ऊपर ब्रैकेट लगी होनी चाहिए थी, सो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, क्लियर। एंड नेक्स्ट देखेंगे सिक्स्थ, हमें दे रहा है 1, 2, 5, 1 भी है इसके अंदर, 2 भी है, 5 भी है, उसके ऊपर ब्रैकेट लगी हुई है तो वो एक सबसेट बन गया एका, बिल्कुल सही, ट्रू। एंड नेक्स्ट देखेंगे सेवंथ आपके पास, इसमें हमें क्या कह रहे हैं, 1, 2, 5 ब्रैकेट के अंदर बंद एक एलिमेंट के रूप में, गलत, ये फॉल्स हो गया आपके पास, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखेंगे एट्थ, ये हमें क्या कह रहे हैं, 1, 2, 3 3 एलिमेंट ही नहीं है हमारे पास तो ये भी फॉल्स हो गया क्योंकि खाली एक एलिमेंट ही नहीं है, 3 हमारे पास, 3 और 4 कंबाइंड होकर एक एलिमेंट है आपके पास, क्लियर। तो नाइन्थ देखें 5 किसी भी सेट का सबसेट होता है, एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, अगर एलिमेंट है तो यहां 5 लिखा होना चाहिए था, वो नहीं है, सो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। एंड नेक्स्ट देखेंगे 10th, 5 ए का सबसेट है, बिल्कुल सही, ट्रू हो गया। एंड नेक्स्ट पार्ट 5 ब्रैकेट के अंदर बंद करके उन्होंने एक का सबसेट है, तो अगर 5 खाली ही आपका एक सबसेट होता है इसका, क्योंकि 5 क्या कहा जाता है, खाली सेट को कहा जाता है, यहां 5 को जब ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया गया तो मतलब 5 इस सेट का एक एलिमेंट हो गया, जिसको ब्रैकेट में अंदर बंद करने के बाद वो उसका एक सबसेट बना, लेकिन 5 यहां एलिमेंट ही नहीं है तो ये भी क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, क्लियर। आगे देखेंगे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है करने के लिए वो देखते हैं। हमें कह रहा है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, जितने भी इसके सबसेट बन सकते हैं वो सारे लिखे हम इसके फर्स्ट पार्ट के। देखें अकेला 5 दे रहा है, सॉरी ए एलिमेंट दे रहा है तो इसका एक 5 बन जाएगा, एक सिंगल ए बन जाएगा, ठीक है, दो ही बनेंगे। एंड सेकंड देखें इसके अंदर ए बी एलिमेंट दे रहा है तो वही 1, 2 की तरह जैसे मैंने बनाया था, तो 5 बनेगा एक सिंगल एलिमेंट के साथ ए, फिर सिंगल एलिमेंट के साथ बी, ठीक है, फिर आपके पास डबल एलिमेंट के साथ ए बी, ये बन जाएगा। एंड नेक्स्ट देखें थर्ड, ठीक है, थर्ड से पहले हम फोर्थ देखते हैं, इसमें क्या दे रहा है, अकेला 5 दे रहा है तो 5 5 ही बनेगा क्योंकि खाली सेट है, ठीक है, इसका सबसेट अकेला 5 ही बनेगा, एक ही बनेगा। और तीसरे में हमें 3 एलिमेंट दे रहा है 1, 2, 3 तो इसके 8 बनेंगे, एक तो 5 बन गया, अब सिंगल एलिमेंट के साथ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 2 एलिमेंट के साथ 1, 2, 1, 3, 2, 3, ठीक है, ये हो गया, और फिर 3 एलिमेंट के साथ एक सेट बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 सबसेट बन गया आपके पास, क्लियर। अब देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर हमें क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए हैज 5, ए सेट आपको क्या दे रहा है, 5 दे रहा है, सो नंबर ऑफ ए सेट के एलिमेंट्स कितने हो गए, 0, ठीक है, सो नंबर ऑफ सबसेट्स आपके पास कितने बनेंगे, 2 की पावर 0 इट मींस 1 बनेंगे, ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट के, क्योंकि एक ही सबसेट बनेगा तो वही एक ही एलिमेंट हुआ इसका, तो पावर सेट के एलिमेंट्स कितने हो गए, 1 हो गया आपके पास, क्लियर। एंड नेक्स्ट देखते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 6,
इसके अंदर हमें क्या कह रहा है करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, ठीक है, इंटरवल्स के रूप में लिखने के लिए कहा गया है। और 7th में आप देख सकते हैं राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन ए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए कहा गया है। तो दोनों एक जैसे ही आपके पास क्वेश्चंस हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको x टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस चार से लेकर, x बिलोंग करते हैं माइनस चार से ग्रेटर और 6 से लेस देन है, तो इंटरवल क्या बन जाएगा इसका, माइनस फोर ओपन ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि इक्वल का सिंबल नहीं है, 6 में इक्वल का सिंबल है तो क्लोज ब्रैकेट। सेकंड, आपके पास इसमें क्या कह रहे हैं, एक्स टू एक्स एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 12 से बड़ा, इट मीन आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस ओपन ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस 12 और माइनस 10 भी ओपन ब्रैकेट में आ जाएगा, क्लियर। एंड थर्ड देखिए आपको क्या कह रहे हैं, एक्स टू एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स आपके पास जीरो के लेस ग्रेटर देन इक्वल देन दिया तो क्लोज ब्रैकेट का सिंबल, एंड 7 में ओनली लेस देन तो ओपन ब्रैकेट। एंड फोर्थ में आपके पास एक्स टू एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर को बिलोंग करता है इसलिए हम इसको इंटरवल में लिख रहे हैं, अगर ये रियल नंबर ना होते आपके पास, ठीक है, आपको इंटीजर्स होते नेचुरल नंबर होते फिर हम इनको रोस्टर फॉर्म में ही लिखते आपके पास। यहां आपके पास क्या हो जाएगा, 3 से ग्रेटर इक्वल देना है एंड 4 से लेस देन इक्वल देना है, तो दोनों क्लोज ब्रैकेट में आ जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें इंटरवल दिए गए हैं, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट इसका एक्स टू एक्स, ठीक है, आपके पास ये चीज होगा जैसे ऊपर आपको गिवन था, बिलोंग्स टू रियल नंबर और x की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन लेस देन ये बनेगी, ठीक है, मैं यहां पर आपको सारे बता रहा हूं। तो दूसरे में भी x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है, ये शामिल हो जाएगी। एंड थर्ड में देखिए आपके पास x टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ग्रेटर देन लेस देन ये हो जाएगा। एंड फोर्थ में इज आल्सो सेम, x टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज ग्रेटर देन इक्वल देन। अब इसमें देखिए पहला इंटरवल आपको क्या दे रहा है, माइनस 3 0 दोनों ओपन ब्रैकेट में है तो माइनस 3 और 0 के बीच में बिलोंग कर रहे हैं, दूसरे इंटरवल में क्लोज ब्रैकेट में है तो 6 और 12 तो आपके पास इक्वल का सिंबल लगा देंगे आप, थर्ड 6 और 12 6 ओपन ब्रैकेट में 12 क्लोज ब्रैकेट में तो 12 के साथ इक्वल का सिंबल आएगा आपका, क्लियर। एंड फोर्थ में माइनस 23 5 माइनस 23 आपके पास क्लोज ब्रैकेट में है तो इक्वल का सिंबल, 5 ओपन ब्रैकेट में है तो आपके पास अकेला लेस देन का सिंबल ये हो जाएगा, क्लियर। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें क्या कह रहा है करने के लिए, हमें कह रहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट, ठीक है, हमें यूनिवर्सल सेट के बारे में बताना है। वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, आप इनमें से दिए गए सेट के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट प्रपोज करेंगे, पहला कह रहा था सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, दूसरा से कह रहा था सेट ऑफ द आइसोस्केल ट्रायंगल्स, ठीक है, इनके लिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट बताना है कि क्या हो सकता है, क्लियर। सिंपल सा हम कोई भी लिख सकते हैं, हमारे पास सेट ऑफ ट्रायंगल्स का लिख सकते हैं, ठीक है, जो ट्रायंगल का सेट बनेगा आपके पास वो आपका यूनिवर्सल सेट ही हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि उसके अंदर हर प्रकार की ट्रायंगल्स आपके पास बिलोंग करेगी। जो ट्रायंगल्स है हमारे पास उसके अंदर आइसोस्केल ट्रायंगल भी होंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होंगी, राइट एंगल ट्रायंगल भी होंगी, स्केलन ट्रायंगल्स भी होंगी, ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट हमारे पास, आप इसको लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट, जो मैं लिखना है इसका यूनिवर्सल सेट आपका क्या बन जाएगा, एक्स टू एक्स इज ए ट्रायंगल, ठीक है, इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, मतलब जिस प्लेन के अंदर आप बात कर रहे हैं उस प्लेन के अंदर ही आपको जो गिवन है, क्लियर, ये दोनों के लिए आपके पास ही आ जाएगा यूनिवर्स सेट आ जाएगा। एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें क्या कह रहा है करने के लिए, हमें कह रहा है गिव द सेट ए दिया गया 135, बी दिया गया 246, सी दिया गया 02468, विच द फॉलोइंग मे बी कंसीडर एज यूनिवर्स सेट एस फॉर ऑल थ्री सेट्स ए बी सी, मीन्स 135 होना चाहिए, 135 ए में फर्स्ट पार्ट में है, सेकेंड में नहीं है, ठीक है, आपके पास देखें अगर हम बात ए पर चेक करें सेकंड में नहीं है तो आपके पास सेकंड तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन, थर्ड में है 135, फोर्थ में भी है, ठीक है, इनमें से कोई आंसर हो सकता है। बी सेट देखें 246, 246 ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है,
ठीक है, आपके पास मतलब सॉरी बी में नहीं है, सी और डी दोनों में है 2 4 6, तो ये भी हो सकते थे। लेकिन सी देखें 0 है, ठीक है, 2 है, 4 है, 6 है, 1 में 8 नहीं है, ठीक है, और फोर्थ में आपके पास 0 नहीं है, तो बचा क्या आपके पास, थर्ड। इट मीन्स इसका क्या ऑप्शन आंसर बन जाएगा, थर्ड आंसर बन जाएगा इसका। ओके थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, और किसी भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस क्वेश्चंस के ऊपर आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप उन क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे आपने देखा कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आए हुए 2 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था, ठीक है, आप ऐसे ही सेट से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे बता सकते हैं, और मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या आपको कमेंट बॉक्स के अंदर या मैसेज के थ्रू आपको या क्वेश्चन का आंसर आपको बता दूंगा। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ओके थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।